प्राण कब इसके तन से विदा ले लेंगे से पता ही नहीं चलेगा। निद्रा देवी, समय हो गया है। लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना? मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भोला बंसी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने, महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बता। लो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ। अचानक तीव्र वेग से वायु चली, फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है, और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचल देगो। तभी जे जाग गए हो, इसने खींच कर अपने पांव का प्रहार करो और चीख गया सकट आकाश पे। और फिर धड़ाम, सब भूमि पे गिरकर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। यशोमती मैया को अपने लल्ला की चिंता सताती है, और रोहिणी भी उनसे अपने पुत्र बलराम के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है। मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा। इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ चिच्चे,
मैं समझती हूँ। मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो हैं, पूजा पाठ की है, किंतु आपने तो, मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया, उसके बाद से आज तक ना उसे घर के बाहर लाई हूँ, ना कोई संस्कार किया है। मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने यह संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि वो कंस कहीं हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है, आप भी समझ जाओ ना मैया। चिची हमें रोना ना चाहिए, हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है? दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगो कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिची कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का, और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना, मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजी, हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा, हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ शुभ मुहूर्त, दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं।